सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 7 बाइकों के बारे में जो आपको 2023 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लोग हैं जो इन बाइक्स के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, और ये सारी बाइकें अपने अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी बाइक्स की लॉन्च डेट क्या है, प्राइस क्या है, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं बाइक में, और ये सारी बाइक आपको कितना माइलेज देगी। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेस करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 200 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, जो है टीवीएस फियरो 125। ये बाइक आपको 1 लाख के अंदर के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये एक कॉम्यूटर बाइक होने वाली है डेली यूज के लिए, जो लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी होंडा एसपी 125 से। तो इंजन बाइक में सेम यूज होगा टीवीएस राइडर 125 वाला, जो है 124.8 सीसी का एयर ऑल कूल इंजन, जिसमें मैक्सिमम पावर है 11.38 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। फीचर्स में बाइक में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होगा, 5 स्पीड गियरबॉक्स होंगे, सिंपल सा LCD स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगा बाइक में, TFT डिस्प्ले और अदर फीचर्स आपको बाइक में नहीं मिलेंगे क्योंकि बाइक को थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना है। तो डिजाइन और फीचर्स में ये बाइक TVS राइडर 125 से थोड़ी सी पीछे रहेगी। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक होगा, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर होगा। टायर साइज में फ्रंट पार का टायर होगा 80x100mm का और रियर पार का टायर होगा 100x90mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी। और डायमेंशन में बाइक का कर्वेट होगा 110 से 120 kg का, 160mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और सीट हाइट आपको इसमें मिलेगी 780mm की, जो बिल्कुल फेयर में रहेगी शो राइडर के लिए। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 12 लीटर्स की, और ये बाइक आपको 65 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि जनवरी से मार्च तक के महीने में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 80,000 से 90,000 के एक्शन प्राइस पर। तो अगर आप आने वाले टाइम में एक रिलायबल कॉमेटर बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो है इंडियन टू व्हीलर मार्केट की मोस्ट अवेटेड बाइक होंडा की तरफ से, होंडा CBR 150R, जो आपको होंडा बिग विंग की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और लॉन्च होने पर यह सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है यामाहा R15 V4 को, क्योंकि दोनों ही बाइकों में सेम अग्रेशन है, सेम पावर है और लुक्स भी दोनों ही बाइकों के काफी अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं होंडा CBR 150R के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो होंडा CBR 150R में आपको 149.16 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.1 bhp की 9000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.4 न्यूटन मीटर का 7000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 130 से 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है और साथ ही साथ आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको सभी फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। बाकी इसमें कोई एडवांस फीचर नहीं है राइडिंग मोड्स वगैरह। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक का यूज किया गया है, और बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर मिलेगा। और होंडा CBR 150R के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर है 100x80mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 130x70mm का, जो कि ज्यादा वाइड नहीं है कंपैरिजन में बाकी बाइकों के। और बाइक की लाइट्स में आपको फ्रंट पार्ट में, रियर पार्ट में, साइड इंडिकेटर में हर जगह LED लाइट्स मिलने वाली है, जो कि एडवांटेज है होंडा CBR 150R के लिए। बाकी डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 139 kg का, बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल है सिटी राइडिंग के लिए। बाइक में आपको 780mm की सीट हाइट मिलेगी, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। बाकी जो बाइक का डिजाइन है वो आपने देख ही लिया है, जो कि इंस्पायर्ड है होंडा CBR 250RR से। तो फाइनली बात करते हैं होंडा CBR के लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,65,000 से 1,75,000 के एक्शोरूम प्राइस पर। तो अगली एक और बाइक है, जो आएगी हीरो और हार्ले डेविडसन के कोलैबोरेशन में, जो थोड़ी सी अफोर्डेबल होगी X440 से, और इस बाइक का नाम रखा जाएगा हार्ले डेविडसन X210। तो हार्ले डेविडसन X440 में काफी अच्छे रिव्यूज है, काफी बुकिंग आई है बाइक की, लेकिन सेम टाइम पर ट्रायम्फ स्पीड 400 लॉन्च हुई इंडियन मार्केट में, जिसका प्राइस हार्ले X440 से थोड़ा सा कम है। तो इस चीज को लेकर हार्ले डेविडसन को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन उस चीज को कवर करने हार्ले डेविडसन की 210 सीसी वाली बाइक आ रही
रही है जिसमें सेम हीरो करिश्मा एक्समा 210 के इंजन का यूज किया जाएगा, जो है 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड फुल DOSC इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 25.5 bhp की 9250 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 20.4 न्यूटन मीटर का 7250 rpm पर। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस में आपको थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर बाइक की कैटेगरी चेंज होने वाली है। हार्ले डेविडसन X210 होगी रोस्टर कैटेगरी में जैसे कि X440 है। बाकी फीचर्स में बाइक में डुअल ABS आएगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे, नेविगेशन आपको मिलेगा बाइक में और 3.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलेगा सेम X440 वाला। इसके अलावा बाइक में स्विचेबल ABS वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में होंगे KYBK 43mm के अपसाइड डाउन फोक और बाइक के रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर होगा। टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110x90mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 140x70mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट होगा 150 से 160 kg का। बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होगी हार्ले X440 से। बाकी बाइक की सीट हाइट होगी सेम 805mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शो डायरेक्ट को और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 13.5 लीटर्स की और ये बाइक आपको 35 से 40 km का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,70,000 से 2,00,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो अगर आप आने वाले कुछ महीनों में किसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आपको 2,00,000 के अंदर हार्ले डेविडसन मिल जाएगी। तो अगली बाइक है दोस्तों TVS Apache RTX। फिलहाल में इस बाइक को लेकर एक कंफ्यूजन चल रही है कि एक्चुअली ये बाइक कौन से इंजन के साथ आएगी, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 310 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा और ये बाइक ओवरऑल सेम स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेगी BMW G310 GS वाले। तो फिलहाल में जो BMW ने अपाचे RR310 के साथ करा है वो TVS इस बाइक के साथ करने वाली है। बैजिंग आपको TVS की मिलेगी, बाकी जो ओवरऑल डिजाइन होगा वो BMW का होगा। हालांकि आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बाइक में। अब चेंजेस के नाम पर आपको इसमें फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा और बाइक के प्राइस को भी थोड़ा सा कम करा जाएगा। तो बाइक में आपको मिलेगा 313cc का वाटर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 34 bhp की 9500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 न्यूटन मीटर का 7500 rpm पर। फीचर्स में आपको बाइक में डुअल ABS मिलेगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स है और कंसोल बाइक में TFT आ सकता है और बाकी फीचर्स भी आपको इसमें अपाचे वाले देखने को मिल सकते हैं। बाकी बाइक के सस्पेंशन में आपको फ्रंट पार्ट में 41mm के अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110x80mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 150x70mm का। और लाइट्स में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 170 kg का। बाइक की सीट हाइट है 835mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी आपको बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल सकती है जो काफी कम होने वाली है KDP बाइक के हिसाब से। और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3,10,000 से 3,20,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। बाकी अपाचे RTX में 160cc और 200cc मॉडल भी आ सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि आपको इसका कौन सा मॉडल देखने को मिलेगा, बस अभी बाइक का ट्रेडमार्क फाइल हुआ इंडियन मार्केट में और धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस बाइक में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में देता रहूंगा, तो मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई वीडियोस मिस ना हो। तो अगली बाइक है दोस्तों कावासाकी की तरफ से KDV कैटेगरी में आने वाली बाइक जो लॉन्च होने पर सीधा कॉम्पिटिशन देगी KTM 390 एडवेंचर को, BMW G310 GS को और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को, जो आपको 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी कावासाकी की तरफ से। और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 4,50,000 से 5,50,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। बाइक में दोस्तों आपको मिलता है 296cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 38.5 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में डुअल चैनल ABS आप सभी की सेफ्टी के लिए, हीट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है बाइक में, असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको मिलता है बाइक में और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41mm के टेलीस्कोपिक फोक और बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 100x90mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 130x80mm का। और लाइट्स में बाइक के फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब, बाकी सभी पार्ट्स में LED लाइट्स का यूज किया गया है और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट है 184 kg का। बाइक की सीट हाइट है 815mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है 17 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 km का माइलेज देती है सिटी राइडिंग में। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी ADV कैटेगरी की बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो अगली जो बाइक है ना वो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अराइव हो गई है जो है दोस्तों यामाहा की तरफ से यामाहा MT-03। तो बाइक में आपको मिलता है 321cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 42 bhp की 10,750 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29.6 न्यूटन मीटर का 9,000 rpm पर। तो इस पावर के साथ यामाहा R3 की तरह इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर है सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये बाइक सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है KTM ड्यूक 390 को, बजाज डोमिनर 400 और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। तो लॉन्च होने पर दोस्तों बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3,20,000 से 3,40,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में डिजाइन और पावर काफी अच्छी मिल रही है,
बाकी फीचर्स में बाइक में डुअल चैनल एबीएस है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है, एलसीडी कंसोल है बाइक में जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक में दोस्तों 37mm के अपसाइड डाउन फोक है फ्रंट पार्ट में, और बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है। और आपको दोस्तों बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स मिलती है यामाहा की तरफ से। और जो बाइक का डायमेंशन है वो काफी अमेजिंग है, क्योंकि इस बाइक का वेट वेट है 168 केजी का। बाइक दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। और आपको बाइक की सीट हाइट मिलेगी 780mm की, जो कि थोड़ी सी लो होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। और आपको इसमें 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, और ये बाइक आपको 25 से 30 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगली बाइक है यामाहा MT07। इस बाइक का दोस्तों लॉन्च होने पर प्राइस रखा जाएगा 7,50,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। और इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में मिलेगा 689 cc का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 73.4 bhp की 8750 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 67 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। और बाइक के फीचर्स में आपको बाइक में 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के साथ, डुअल चैनल ईवीएस है बाइक में आप सभी की सेफ्टी के लिए, बाइक के फ्रंट पार्ट में डुअल डिस्क ब्रेक है, और बाइक के टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 120x70mm का, और रियर पार्ट का टायर है 180x55mm का। और डायमेंशन में इस बाइक का वेट वेट है 184 kg का। ये बाइक भी काफी लाइट वेट है बाइक के इंजन के हिसाब से। और आपको MT07 में सीट हाइट मिलेगी 805mm की, जो कि दोस्तों MT15 से थोड़ी सी लो है। और बाइक में होगी 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और ये बाइक आपको दोस्तों 20 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू वेलर मार्केट में लॉन्च होने वाली बाइक, जो आपको 2023 और 2024 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।